तो आज हम बात करने वाले कि अगर आप न्यूयॉर्क अकाउंट ओपनिंग किया है और अगर आप न्यूयॉर्क बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहते हो तो किस तरह से नियो ऐप से ही बैंक स्टेटमेंट को निकाल सकते हो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर सारा डिटेल्स देखेंगे कि न्यूयॉर्क बैंक स्टेटमेंट किस तरह के साथ निकाल सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे। तो चलो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूयॉर्क ऐप को ओपन कर लेंगे। देन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, नीचे पे मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको मेनू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे मेनू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ऊपर पे फर्स्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा सेविंग्स अकाउंट, आपको सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक कर देना है। देन जैसे सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है जनरेट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे जनरेट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो कि यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो और यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आप लास्ट मंथ का चाहते हो तो लास्ट मंथ का, लास्ट थ्री मंथ का चाहते हो यहाँ पे थ्री मंथ का, और जिस ईमेल आईडी दिया है इस अकाउंट पे उस ईमेल आईडी पे अपना जो कि स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा पीडीएफ में। तो यहाँ पे मैं लास्ट थ्री मंथ का सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे पीडीएफ में देख के हम यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगा, होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जो कि अपना डाउनलोड होके आ जाएगा पीडीएफ में। तो यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ में डाउनलोड होके आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि अपना स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे अपना स्टेटमेंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना बैंक का स्टेटमेंट, थ्री मंथ का अपना स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप स्टेटमेंट को निकाल सकते हो और बैक कर लोगे तो अपना यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है, सारा यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कितना क्रेडिट किया है या फिर यहाँ पे देख सकते हो कितना डेबिट किया है, सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे न्यूयॉर्क ऐप से ही अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि न्यूयॉर्क बैंक स्टेटमेंट किस तरह से निकाल सकते हो, वो न्यूयॉर्क ऐप से ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो से कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय।